मगर ठीक है, इनका ऐसे ही एक बार बीवी छोड़ दी अपने मन से, अब एक बार सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कुर्सी छोड़ दीजिए, भला हो जाए देश का। मोदी पे कैसे भरोसा कर ले, जसोदा बेन उन पे करती ही नहीं है तो देश कैसे कर लेगा बताइए आप। निकम्मा है, नल्ला प्रधानमंत्री है, हर जगह से भागेगा, ये लोग बैकफुट पे जाने वाले लोग हैं, हमेशा पीछे जाएंगे। मोदी शाह की गुंडागर्दी देखिए, एक तड़ीपार गृहमंत्री आ गया है देश में जिसे हमारा प्रोटेस्ट गवारा नहीं है। लोकतंत्र है ये बेहुदा मजाक है लोकतंत्र के साथ। मतलब चाय पीने वाला डिटेन होगा और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, और हमें उम्मीद भी कुछ नहीं है, तड़ीपार गृहमंत्री है, ऐसा ही होगा। खैर अब हम जंतर मंतर आ गए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं आज? देखिए आज हमारा जो कॉल था वो रामलीला मैदान का था, मगर दिल्ली पुलिस की बर्बरता देखिए, मोदी शाह की गुंडागर्दी देखिए, एक तड़ीपार गृहमंत्री आ गया है देश में जिसे हमारा प्रोटेस्ट गवारा नहीं है। लोकतंत्र है ये बेहुदा मजाक है लोकतंत्र के साथ। रामलीला मैदान पे हमने कॉल दिया, अगर हम CA NRC के खिलाफ हैं तो भाई देश के नागरिक तो हम भी हैं, हमें बात करने का अधिकार है, हमें विरोध करने का अधिकार है। वहाँ से बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, जाकिर हुसैन डेली कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, मेरे कॉलेज के पास बच्चे खड़े उन्हें डिटेन कर ले रहे, कोई चाय पी रहा उसे डिटेन कर रहे। मतलब चाय पीने वाला डिटेन होगा और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, ये चल रहा है, ये तो पूरी तरीके से बेहूदगी है। और हमें उम्मीद भी कुछ नहीं है, तड़ीपार गृहमंत्री है, ऐसा ही होगा। खैर अब हम जंतर मंतर आ गए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और क्या लगता है जिस तरीके से पिछले 80 दिन से ज़्यादा हो गए CA NRC आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या आप लोगों की बात सरकार तक पहुँच पा रही है या नहीं? देखिए सरकार तक पहुँच रही है इसीलिए सरकार ट्विटर फेसबुक से गायब हो रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लड़ाई जो है ज़मीन से लेके सोशल मीडिया तक जो इतनी मजबूत हो रही है कि कल मोदी जी ने बोल दिया अब हम गायब हो रहे हैं भाई सोशल मीडिया से, मगर क्या किया जा सकता है, सोशल मीडिया छोड़ के जा रहे कि हमारी आवाज़ उन तक ना पहुंचे। मगर ठीक है, इनका ऐसे ही एक बार बीवी छोड़ दी अपने मन से, अब एक बार सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कुर्सी छोड़ दीजिए, भला हो जाए देश का, मान नहीं रहे। नहीं, साजिश नहीं, डरपोक है, निकम्मा है, नल्ला प्रधानमंत्री है, हर जगह से भागेगा, ये लोग बैकफुट पे जाने वाले लोग हैं, हमेशा पीछे जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई है पिछले 7-8 दिनों से, जो दिल्ली जली है, उसको लेकर के कपिल मिश्रा को आरोप लगाया गया कि उनके भड़काव बयान कैसे किया गया, आपको क्या लगता है उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? हाँ ये विडम्बना देखिए, कपिल मिश्रा दंगा कराएगा तो सिक्योरिटी बढ़ाया जाएगा, और हम लोग प्रदर्शन करेंगे तो डिटेन किया जाएगा। ये सब बस नंगा नाच जो चल रहा है दिल्ली में देखिएगा, जज बोलेगा FIR करने को तो जज का रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा, मगर जो दंगाई है, जो DCP को बोलता है कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम अपने तरीके से देख लेंगे, हम आपका बात भी नहीं सुनेंगे, ट्रंप के जाने का बस इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये आदमी जो राष्ट्रवाद चिल्लाते हैं ये लोग, आप विदेशी राष्ट्रपति ट्रंप का इज्जत कर रहे हैं मगर आप दिल्ली पुलिस का बात नहीं मानिएगा, ये तो विडम्बना है, देश के साथ मजाक चल रहा है, बेहुदा मजाक। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है, आप लोग क्या लगता है, क्या आप लोग अपने चीज़ों को सरकार तक पहुँचाने में शामिल होंगे आप लोग? देखिए अगर आप याद कीजिएगा स्वतंत्रता आंदोलन को, तो ये एक दिनों की लड़ाई नहीं थी, 1857 से लेकर 1947 तक चली लड़ाई थी, तो हम इतनी जल्दी में भी नहीं है कि ये 2 दिन में नहीं मानेंगे तो हम बोरा बिस्तर उठा के घर चले जाएंगे। हम तो नारा ही लगाते आज हड़ताल कल हड़ताल, ना माने तो डेरा डालेंगे जब तक ये नहीं हटते। शाहीन बाग ने भी डेरा डाला हुआ है सर पिछले 80 दिनों से। हाँ ये 80 दिन 800 दिन हो जाएगा, 8000 दिन हो जाएगा, और जब तक तड़ीपार नहीं हारेगा, जब तक हमारा चर्ची गपोरी प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर कहा ये जा रहा है कि दिल्ली में जितना भी हिंसा हो रहा है उसको लेकर के मनोज तिवारी जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है, उनके अंदर आगजनी का जो है खून पैदा कर रहा, खुला उनको खून। मनोज तिवारी मासूम आदमी है, वो भाजपा का राहुल गांधी है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए हम लोग को। कितना बढ़िया नाश्ते गाते थे रिंकिया के पापा ही हंस दे ले, और कौन है बेबी BRP के नाचे लगली चमक चमक चमक, तो नाचे गाए ना, क्यों कर रहा है ये सब, ध्यान नहीं दीजिए उस पर। लेकिन सर जैसे आप तड़ीपार की बात कर रहे हैं, कल संसद में भी तड़ीपार के नारे लगे, मुर्दाबाद नारे लगे, हाँ, और इस्तीफे की मांग लगी, क्या ऐसी भाषा राज्यसभा में संसद में भाषा क्या, झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं, झूठ बोलना ना गुनाह है, कोर्ट तड़ीपार नहीं किया था उनको तो गलत क्या है इसमें, हम अगर ये बदला उतार लिया अलग बात है, एक बार जज इनको तड़ीपार किया, इस बार जज को तड़ीपार कर दिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या वाकई में गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? गृहमंत्री को तो सुसाइड कर लेना चाहिए, आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, शर्मिंदा हो कि इस आदमी को एक चुल्लू पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए।
इस्तीफा क्या है, ये तो बहुत छोटा डिमांड है लोगों का। अच्छा, आप लोग ये जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, ये यंग को लेकर के क्या है, क्या दर्शाना क्या चाह रहे हैं आप लोग? कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शाहीन बाग तो लगातार सीए का विरोध कर ही रहा है, आप लोग किस तरीके से? देखिए, शाहीन बाग के आंदोलन को अगर आप देखिएगा तो उसमें सीधे तौर पर जो दिखाया गया कि जो औरतें घर तक सीमित थी वो मुठियां भींच के नारे लगा सकती हैं, वो जब देश पे कोई तड़ीपार गृह मंत्री हावी हो जाएगा तो वो उनके सामने बैरिकेड की तरह खड़ी हो जाएंगी, इस तरफ नहीं बढ़ने देंगे तुम्हें, शांति भंग करने नहीं देंगे तुम्हें। पूरे मुल्क में क्या सर प्रदर्शन करना गुनाह बन गया क्या जब भी प्रदर्शन? हाँ, अमित शाह के लॉजिक से तो हो गया है, जब करेंगे डिटेन कर लिया जाएगा। बताइए बिना बिना बात का, मुझे एक बार जाफराबाद से डिटेन कर लिया गया था, किस लिए? तो तुम्हारे फोन पे आई लव केजरीवाल क्यों है? तो इनका ऐसे ही है, आप केजरीवाल से प्यार कीजिएगा तो इन्हें बुरा लगेगा, आप पार्क में बैठ के प्रेमिका से प्यार कीजिएगा तो इन्हें बुरा, नफरत ये लोग है, इन्हें बुरा लगता है प्यार मोहब्बत। जो भी ला रही है लोग बाग सड़कों पे उतर जा रहे हैं, कुछ तो ऐसा काम कर रही होगी जो लोगों को समर्थन करना चाहिए। कौन काम कर रही है? हम ऐसा थोड़े ना, हमारा अमित शाह जमीन नहीं जोता है, मेरे बाबू जी का, मोदी जी भी जमीन नहीं जोते, खैर हम लोग तो गरीब आदमी, जमीन है ही नहीं, मगर जो है वो भी नहीं जोते हैं, तो पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बात है कि जब आप देश के साथ गलत कर रहे हैं तो हम बोलेंगे, अब ऐसा कौन सा काम सही कर रहे हैं? रोजगार है नहीं, GDP लो चल रहा है, विकास स्लो चल रहा है, सीमा पे सैनिक मर रहे हैं, चीन आपसे सीना जोरी कर रहा है, आप हर जगह फेलियर हो रहे हैं, तो फिर किस बात पे समर्थन किया जाए? लेकिन बीजेपी का दोहरा रवैया दिखाई दे रहा है, जैसे बिहार में चुनाव है वहाँ पर उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया कि NRC और NPR हम लागू नहीं करेंगे, नीतीश कुमार जी ने भी कहा। हाँ, कैसे देखते हैं ये? देखिए, ये लोग बोल रहे थे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, जनता 1000 किलोमीटर आगे बढ़ गई, बोलिए अब हटो, हटना पड़ा ना, तो ये जनता की ताकत है। बिहार में जो भी जो कर रहे हैं लोगों को लागू कर सकते हैं, हाँ ये है, इनकी पूरी साजिश हो सकती है, मगर फिर भी अगर इस तरीके से देखा जाए तो जनता की बहुत बड़ी जीत है, ये दबाव में ही कर रहे हैं। जिस तरह से कन्हैया कुमार की रैली हुई, विपक्ष का सदन के अंदर जो मजबूत पक्ष रहा NRC CA के अगेंस्ट, इन सारे चीज़ों को लेकर, और बिहार में भी जगह जगह शाहीन बाग बना हुआ है, मैं समस्तीपुर से हूँ, समस्तीपुर में मेन टाउन में बना हुआ, मेरा जो घर पड़ता है ताजपुर वहाँ पर बना हुआ है, पटना के अंदर सब्जी बाग चल रहा है, तो ऐसी तमाम चीज़ें सरकार पर दबाव डाल रही है। आपने कन्हैया का नाम लिया, जिस प्रकार से कन्हैया बिहार में रैलियाँ कर रहा है, क्या उसका असर पड़ा इन पे और केस के लिए परमिशन? देखिए बात वो नहीं है, असर तो एक एक मुट्ठी को उठने का पड़ता है, एक एक हाथ भींचता है तो सरकार डरती है, कहीं ना कहीं सबका असर पड़ रहा है। अब मोदी साहब पर भरोसा नहीं है क्या सर, जब वो लोग कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि NRC जो है नागरिकता देने की नहीं है, भरोसा नहीं है क्या? मोदी पे कैसे भरोसा कर ले, जसोदा बेन उन पे करती ही नहीं है, तो देश कैसे कर लेगा बताइए आप, देश कैसे करेगा? विकल्प क्या है? ये जो जंतर मंतर पे वहाँ पे जय भीम का नारा लगा रहे युवा हैं, जो आज़ादी का नारा लगा रहे युवा हैं, जो बोल रहे हैं कि सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम, ये युवा विकल्प है? यही विकल्प की राजनीति ना आने वाली है क्या? राजनीति नहीं, हर जगह विकल्प, हम जैसे युवा हैं जो सरकार के सामने सीना तान के मुट्ठी भींच के खड़े हैं, और हम ही लोग विकल्प हैं, इस बात को लेकर पूरा श्योर हूँ। बिहार में क्या असर होगा, सियासत का जो है वो किस तरह से रंग बदलेगा? देखिए, बिहार की राजनीति पे अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा बात है कि बिहार में एक भाजपा के अलावा जो एक दूसरा पैतरेवाज आदमी है वो नीतीश कुमार है, वो रंग बदल, वो गिरगिट है, वो जिस तरफ रंग बदल के जाएगा मे बी इसका इफेक्ट रहेगा। बाकी जनता ने मन बना लिया है, नीतीश कुमार या फिर भाजपा अगर एक साथ भी रहते हैं तो इस बार भाजपा का हारना तय है। दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसको आप किस तरह से? देखिए, दिल्ली में हिंसा कोई एक दिन में भर के हिंसा नहीं है, यह हिंसा पिछले 6-7 सालों से, मीडिया के लोग इस पर मेहनत कर रहे थे कि हिंसा भर के पिछले 6-7 सालों से, गिरिराज सिंह जैसा मंत्री ये सारे लोग मेहनत कर रहे थे, इस बार लोकसभा चुनाव में आतंकवादन साध्वी प्रज्ञा चुन के चली गई, देश का गृहमंत्री तड़ीपार बन गया, तो ये हिंसा एक दिन की हिंसा नहीं है, कपिल मिश्रा ने इस आग में घी डालने का काम किया है, कपिल मिश्रा ने बस आग में घी डालने का काम किया है, और आग इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा आग था कि उसमें घी डाला गया और हिंसा भड़क गया। इसमें पूरा जिम्मेदार अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये जो तिहाड़ी सुधीर चौधरी है, ये तमाम अंजना ओम कश्यप, ये तमाम लोग, और ये क्या नाम है सुदर्शन वाला, वो क्या नाम है, हाँ वो वही, तो उसको, इन सारे लोगों को सबसे पहले जेल में डालना चाहिए, सबसे बड़े जिम्मेदार ये लोग हैं, और बाकी कपिल मिश्रा तो है ही, उनको तो डर ही नहीं कपिल मिश्रा को, क्योंकि मालूम है उनके सैया गृह मंत्री हैं, कुछ तो होगा नहीं। कपिल मिश्रा तो इतना शौक जता रहे हो, कह रहे होली नहीं मनाएंगे, हमारी दिल्ली जल गई, इसको क्या बताया जाए, ये बेहूदगी नहीं तो क्या आप बताइए, खून का होली खिलवा दिए और बोल रहे होली नहीं मनाएंगे। नहीं, एक
एक सवाल, मीडिया की क्या भूमिका रही है मीडिया जो शाम को जो डिबेट लगातार चल रही थी हिंदू मुस्लिम? देखिए मीडिया की भूमिका आप साफ समझिए ना, जो हर 7 से 8 बजे जो रोज़ रात को तीतर लड़ाया जाता है, वो तीतर लड़ाने में यही तो होता है, एक बोलता है इस्लामिक आतंकवाद, एक बोलता है हिंदू आतंकवाद, और इसे दोनों पक्ष में इन्होंने हिंसा बढ़ा दिया, तनाव बढ़ा दिया, और उस पर कपिल मिश्रा ने जुताई कर ली, फसल बोया, फसल उग गया, और अब भाजपा फसल काटेगी बंगाल में जाके, बिहार में जाके। देखिए देखिए हिंसा का असर तो कहीं ना कहीं पड़ता है, मगर इतने दिनों में एक चीज़ जो पॉजिटिव आई हमारे बीच, कि जनता जागरूक हो चुकी है। आप झारखंड का चुनाव देख लीजिए, राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं हुआ, ऐसे किसी बकवास पे नहीं हुआ, योगी ने बोला कि कोई फलाना बन जाएगा तो राम मंदिर कैसे बनेगा, जनता ने बता दिया कौन कैसे बनेगा। दिल्ली में आ गए, ये दिल्ली में बोलने लगे, यहाँ के मुख्यमंत्री को आतंकवादी है, आतंकवादी है, एक बोलने लगा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, दिल्ली ने बता दिया कि कौन देश का गद्दार है और किसे झाड़ू मारना था, ये गोली की बात कर रहे थे, दिल्ली ने झाड़ू मार दिया। तो उम्मीद है बिहार में भी ऐसा ही कुछ परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता त्रस्त है। आप दंगे से 2 दिन माहौल बना के रख सकते हैं, आप जय श्री राम का नारा लगवा के, अल्लाह अकबर का नारा लगवा के 2 दिन माहौल बनाए रख सकते हैं, मगर बात भाई पेट की आग सबसे बड़ी जो मुद्दा है इलेक्शन में, वो पेट का आग है, रोजगार कहाँ है, लोग बच्चे कुपोषण के शिकार हैं बिहार के अंदर, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो ये सारे मुद्दे बिहार में रहेंगे इस बार।